वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वाचिंग रॉ फिट। आज हम बात करेंगे फाइव मिस्टेक यू शुड अवॉइड इन होम वर्कआउट। सो विदाउट गेटिंग दैट लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट मिस्टेक इज नॉट हैविंग अ प्रॉपर प्रोग्राम। मैं बहुत लोगों के इंस्टाग्राम स्टोरीज में देख रहा हूँ वो अपने फेवरेट फिटनेस मॉडल के वर्कआउट कर रहे, बल्कि रोज कर रहे वो, और कुछ लोग तो अपने वर्कआउट हर वीक चेंज कर रहे। इस तरीके से आप अपने फिटनेस गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। अब कभी कभी कर रहे हो तो फिर ठीक है, आपको आपके प्लान्स अकॉर्डिंग टू योर गोल्स अकॉर्डिंग टू योर फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ाना है कि नहीं, ये सब पैरामीटर कंसिडर करके आपको बनाना पड़ेगा। और ऐसे भी अभी जिम बंद है और जितने भी आप एक्सरसाइज करोगे मोस्टली उसमें से सब कंपाउंड ही होंगे। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट स्प्लिट होगा आपका पुश पुल लेग्स रेस्ट, अपर बॉडी लोअर बॉडी रेस्ट। अब रेस्ट के दिन कार्डियो चाहे हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग भी कर सकते हो, क्योंकि मैं भी यही वर्कआउट फॉलो कर रहा हूँ। आने वाले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप पुश पुल ये सब के दिन आप कौन से एक्सरसाइज को ऐड करें। सेकेंड मिस्टेक इज आपके वर्कआउट में इंटेंसिटी नहीं होना। इंटेंसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मोर इंटेंसिटी मीन्स मोर कैलोरीज बर्न। होम वर्कआउट में थोड़ा डिफिकल्ट होता है इंटेंसिटी इंक्रीज करना, लेकिन आप फिर भी कर सकते हो। आप अपने वर्कआउट में सुपर सेट या ड्रॉप सेट इंट्रोड्यूस करके भी आप अपना इंटेंसिटी इंक्रीज कर सकते हो वर्कआउट में। मैं अभी आपको एक बॉडी वेट ड्रॉप सेट करके दिखाता हूँ। मैं अभी इसमें चेयर यूज करने वाला हूँ और डिक्लाइन पुशअप करने वाला हूँ। 10 रेप्स तक मैं करूंगा इस। के बाद मैं रेस्ट नहीं लेने वाला और नॉर्मल पुशअप करने वाला हूँ 10 रेप्स। वापस अब एक नी पुशअप करने वाला हूँ विदाउट रेस्ट। इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो ड्रॉप सेट। अब चाहे तो वेटेड भी कर सकते हो, वेटेड पुशअप और उसके बाद विदाउट वेटेड। ठीक है, आपने देखा मैं ड्रॉप सेट का कैसे मैंने यूज किया, उसी तरह मैं सुपर सेट का एक आपको एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट मैं पुशअप करूंगा 10 रेप्स। इसके बाद इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपने वर्कआउट में और इंटेंसिटी इंक्रीज कर सकते हो। थर्ड मिस्टेक इज न्यूट्रिशन को लोग बहुत कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। ब्रो ये सब बहुत इजी होता है, अब इसे डिफिकल्ट ना करें। होम वर्कआउट के टाइम कैलोरीज इंटेक को लेकर लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। अगर आप ऑलरेडी जिम जाते थे लॉकडाउन में, आप सिर्फ होम वर्कआउट कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा कैलोरीज ना कट करें, नहीं तो आप अपने मसल लॉस करना चालू कर दोगे और आप थोड़ा बहुत फैट गेन कर लोगे। अब ट्राई करो कि अपना मेंटेन करने का, अपने जो मसल मास गेन किया आप उसको मेंटेन करने का ट्राई। और जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो सिर्फ एक नॉर्मल सा कोई भी सिंपल सा डाइट फॉलो करें। आप बस एक मेंटेनेंस कैलोरी निकाले। अगर आपको फैट लॉस करना है तो आप कैलोरीज डेफिसिट में, अगर आपको मसल गेन करना है तो आप मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा कंज्यूम करें। फोर्थ मिस्टेक इज डूइंग कार्डियो ओनली। अगर आप बस फिट रहना चाहते हो, आपको अपनी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छी रखनी है, डैनिट्स गुड, अगर आपका गोल है मसल गेन करना तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपको आपके मसल्स के टिश्यू ब्रेक करना है। आप कार्डियो अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद भी कर सकते हो या फिर आप अपने रेस्ट डे के दिन भी कर सकते हो कार्डियो चाहे हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट मिस्टेक इज लोग गिव अप बहुत जल्दी कर देते हैं। लोगों को रिजल्ट नहीं मिलते इसलिए वो गिव अप कर देते हैं, बल्कि रिजल्ट मिलते हैं बहुत माइनर, आप उसे प्रॉपर तरीके से ट्रैक नहीं कर पाते, इसके वजह से आप गिव अप। टाइम लगता है पर रिजल्ट ज़रूर मिलता है, बस आपको उसको प्रॉपर तरीके से ट्रैक करना होता है वीक बाय वीक या मंथ बाय मंथ। आप बस ट्रैक करिए और ये लॉकडाउन में सब घर पे ही है और ये बेस्ट टाइम है किसी भी चीज़ को हैबिट बनाना। तो बस आज के लिए इतना। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपको किसी और नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए रहेगा तो आप कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पे। स्टे होम स्टे।